नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं सर रेलवे जोन चेन्नई का कट ऑफ बता दीजिए, फिजिकल के लिए कितने नंबर चाहिए, अभी तक हमने दौड़ स्टार्ट नहीं की है, रिजल्ट आ रहा है। मेरे भाई क्या कर रहे हो, रिजल्ट के बाद टाइम नहीं मिलेगा दौड़ लगाने के लिए, 20 से 25 दिन मिलेगा, 20 से 25 दिन में दौड़ सफल नहीं हो सकती, तो आज ही दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। नंबर देख लीजिए पहले, अगर इतने नंबर आ रहे हैं पेपर में तो मेरे भाई किसी की नहीं सुननी है, बस आपको दौड़ लगानी है। तो ध्यान दीजिए, रेलवे जोन चेन्नई की एकदम सटीक और विश्लेषण के साथ कट ऑफ बता रहा हूं। देखिए लाइक का बटन दबना चाहिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ना कहीं सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे मेरे भाई। देखिए एकदम सटीक कट ऑफ बताई जा रही है आपको रेलवे ग्रुप डी चेन्नई सीआर के अंदर की, ठीक है। चेन्नई जोन की पुराना इतिहास थोड़ा उठाऊं मैं, पुरानी जो भर्ती आई थी 2018 में ग्रुप डी की, चेन्नई जोन की बात हो रही है, वैकेंसी थी 2979, बहुत कम वैकेंसीज थी, फॉर्म अप्लाई हुए थे 8.7 लाख, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था दोस्तों 2018 वाली भर्ती में, इस नॉर्मलाइजेशन ने दोस्तों बहुत बच्चों के चेहरों पर खुशी दिलाई है और बहुत सारे बच्चों के चेहरे पर दुख भी पैदा किया है। इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे दोस्तों जिस बच्चे के कम नंबर पेपर में आ रहे थे, रिजल्ट के बाद आंखें फट गई थी, 10 से 20 नंबर फ्री के मिल गए थे, और जिसके अच्छे नंबर बन रहे थे उसके रिजल्ट में नंबर ही नहीं बढ़े थे। तो कहने का मतलब फ्री के 10 से 20 नंबर किसी को मिल जाए रिजल्ट में, फिर उसकी तो बात ही अलग है। तो नॉर्मलाइजेशन था मेरे दोस्त, इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा क्रेज हुआ है। एग्जाम्स का लेवल अगर देखा जाए तो लो था मेरे दोस्तों, इतना हाई भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। पर सीट कंपटीशन 294 था, इतनी वैकेंसी पर अगर इतने फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब परीक्षा कितने स्टूडेंट्स ने दी, तो दोस्तों उस टाइम तो परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट हुए थे, 60% की उपस्थिति देखी गई थी, और 60% से हम देखे तो 5,22,000 बच्चों ने लगभग एग्जाम्स दी थी 2018 ग्रुप डी। कट ऑफ देख लीजिए, यूआर की कट ऑफ गई थी 71.53, ओबीसी की गई थी 68.63, एंड एससी की 61.56, एसटी की गई थी 55.32, एंड एक्स सर्विसमैन की 40 गई थी, यूआर कैटेगरी की बताई है, एंड आपकी अप्रेंटिस वाले जो है उनकी अनरिजर्व कैटेगरी की 41 कट ऑफ गई थी। तो ये कट ऑफ गई थी दोस्तों, ठीक है, 2018 वाली भर्ती में। अब दोस्तों इससे हम थोड़ा अनुमान लगाए इस वाली भर्ती में, तो देखिएगा सबसे पहले तो आप चेन्नई जोन से कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लीजिए। इस बार में यूआर कैटेगरी 4,363 पद है, ओबीसी के 2,118 पद है, और ओबीसी में सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी कास्टेज आती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार ग्रुप डी के 958 पद है, एससी में 1,353 है, एसटी 787 है, एंड पीडब्ल्यूबीडी में 222 है, और अप्रेंटिस के 1914 पद है। अब दोस्तों जो 1914 पद है अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट्स के, इतने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए गए हैं, यानी कि सीटें ही खाली जाएंगी। अब सीटें खाली जाएंगी तो यहां से कन्वर्ट कर दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी में वह सीटें शामिल कर दी जाएंगी, अप्रेंटिस वालों की जब सीट प्लस की जाएंगी तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कहता हूं अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, फ्री में नौकरी लेनी है तो। यह तो हो चुका है चेन्नई जोन से कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में बातें। टोटल वैकेंसी कितनी है, 9,579, पिछली बार कितनी थी,
2979 थी। इस बार तो वैकेंसी भी बहुत है, फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, 9,264 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब देख लीजिए वैकेंसी भी ज्यादा है, फॉर्म तो लमसम उतने ही अप्लाई हुए हैं जितने 2018 वाली वैकेंसी में हुए थे। 9 लाख के अप्रोक्स है, वैकेंसी कम है, यहां भी 9 लाख है, वैकेंसी ज्यादा है, कौन कहता है कट ऑफ ज्यादा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन नहीं है मेरे दोस्त, तभी तो मजा आएगा। इस बार परसेंटाइल बेस पर आपका रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री के किसी को 10 से 20 नंबर मिल जाएंगे, जितने नंबर आए हैं उतने ही मिलेंगे, एक दो नंबर तो बढ़ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्स का लेवल देख लीजिए मेरे भाई, तो एग्जाम्स का लेवल मॉडरेट टू हाई था, यानी कि लो नहीं था। 2018 में तो थोड़ा अलग अलग शिफ्टों में पेपर लो था, कहने का मतलब जो नहीं पढ़ के गया था उसने भी अच्छे खासे क्वेश्चन अटेंड कर दिए थे, लेकिन इस बार तो मेरे भाई साहब नानी याद आ गई। कैसे आई देखिए, जिसने पेपर दिया है उसको तो मालूम होगा, अब जिसने पेपर ही नहीं दिया है तो वो फालतू का ज्ञान पेलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई साहब, रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ा अहम रोल पैदा करता है। रीजनिंग जिसकी अच्छी जाती है उसको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन रीजनिंग का जब पार्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पर खुला, पसीना आ गए मेरे भाई, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था से दे दिए गए। अब बैठक व्यवस्था के प्रश्न जो थे होने को तो सरल थे, लेकिन वो टाइम खा रहे थे, और इतना टाइम किसके पास था, एक प्रश्न एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही नहीं आ रहा था, कर्सर को हम नीचे सरका रहे थे तब जाके वो नेक्स्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन समझ में आ रहा था, तो कौन माता पच्ची करे। इसलिए रीजनिंग का मामला तो डिसमिस हो चुका था, जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ। साइंस ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं दुख दिया है, साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो सीजीएल में भी नहीं आते हैं एसएससी में, तो ग्रुप डी की एग्जाम्स है, एसएससी सीजीएल में भी वे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने हाई थे साइंस के, तो फिर कैसे मामला सही होगा। और रीजनिंग और साइंस में जब अच्छे क्वेश्चन नहीं बने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के, तो कहां कट ऑफ जाएगी। एंड जीके और करंट अफेयर्स में तो जो आते हैं वही आते हैं, ठीक है। एंड मैथ की बात करूं तो यहां पर कुछ रिलैक्स दिया गया था स्टूडेंट्स को, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कर दिए गए थे मैथ में। तो यह आपका एग्जाम्स का लेवल था मेरे दोस्तों। एग्जाम्स में अटेंडेंस क्या थी यह भी देखना जरूरी है, कट ऑफ अगर बनाओ कभी भी तो ध्यान देने वाली बात है। पहले तो एग्जाम्स का लेवल देखिए, उसके बाद कितने लोगों ने एग्जाम्स दी वह देखिए, ये मत देखिए कि फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, ये गायब है सब, ठीक है। अभी बता रहा हूं 45 से 50% इस बार उपस्थिति देखने को मिली थी, और जब हम 45% का निकाले तो 4 लाख के अप्रोक्स स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दी थी इस बार, ठीक है। इसी के मद्देनजर रखते हुए पीटी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा यह मैं आपको बता रहा हूं एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ। एंड दोस्तों पीटी का तो आपको मालूम होगा वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि वैकेंसी है आपकी 9579 103 से इंटू कर लेना 28,737 स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों लाखों की संख्या में घटकर हजारों रह गई है, ठीक है। एंड आपका पर सीट कंपटीशन 94 है, इतनी वैकेंसी पर इतने फॉर्म अप्लाई हुए हैं जब, लेकिन इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आफ्टर एग्जाम आपका जो पर सीट कंपटीशन निकल कर आ रहा है वह 48 है, यह आपका एग्जाम्स का सिस्टम था। अब आप देखिए कैटेगरी वाइज पीटी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। देखिए दोस्त, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यूआर कैटेगरी से हो, तो 55 क्वेश्चन अगर राइट हो गए हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर दीजिए चेन्नई जोन वालों। ओबीसी कैटेगरी 53 क्वेश्चन अगर राइट है तो बहुत अच्छी बात है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 52 क्वेश्चन, एंड एससी की बात करूं तो 50 क्वेश्चन अगर राइट है तो मजा आ गया है।
एसटी कैटेगरी 47 क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, पीडब्ल्यूडी 35 क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, एक्स सर्विसमैन 33 क्वेश्चन राइट है तो अच्छी बात है। ये मैंने क्वेश्चन बताए हैं, नंबर नहीं बताए हैं। 100 क्वेश्चन का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, तो 100 क्वेश्चन में से अगर इतने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं आंसर की तो देख ली होगी, ठीक है, तो आप बिल्कुल सफल हो। पीईटी की तैयारी अब से ही शुरू कर दीजिए। चेन्नई जोन वालों का यह कट ऑफ मैंने बताया है, नेक्स्ट कोई जोन की आपको कट ऑफ जाननी है तो उसका मैं विश्लेषण करके आपको बता दूंगा, तो आप उसके लिए अपडेट रहना। पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, एंड कोई समस्याएं है आप कैटेगरी वाइज अपने नंबर बताकर पूछना चाहते हो पीईटी के बारे में तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर पल पल की अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।